हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ झालमुड़ी की रेसिपी, जिसे मुड़ी मसाला भी कहते हैं, भेल भी कहते हैं इस तरह। तो चलिए, इसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने मुड़ी ले लिया है, ये पूरी देख सकते हैं, एक बड़े बॉल में मैंने पूरी ले लिया है। एक उबले हुए आलू है, थोड़े से ये सेव भुजिया है, एक ग्रीन चिली इस तरह कट कर लिए, बारीक जिंजर थोड़े से कट करके रख लिए हैं। खट्टे के लिए मैंने अचार ले लिया, अचार के मसाले ले लिए हैं, थोड़े से पीनट इस तरह हल्के फ्राई करके रख लिए, स्वाद अनुसार सॉल्ट डाले, इसमें थोड़े से जीरा पाउडर है, थोड़े से रेड चिली पाउडर है, थोड़े से मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है, एक बारीक ऑनियन कट करके रख लिया है। ये सारे सामान अब हम इस पूरी में मिक्स करेंगे। तो सारे सामान जो है, ये सारे सामग्री इसे इसमें हम डालेंगे। तो ये देख सकते हैं, सारे सामान मैंने पूरी में मिक्स कर लिए हैं, इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे तरह से हमें मिक्स करना है। बस कुछ ही मिनटों में हमारी झालमुड़ी मुड़ी मसाला रेडी हो जाएगी, स्पाइसी टेस्टी टैंगी। कभी भी झटपट तैयार कर लीजिए, ये काफ़ी चटपटा स्नैक्स है। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें, इस तरह करीब एक दो मिनट इसे अच्छे से मिक्स कर लें हम। सारे मसाले पूरी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो ये रेडी हो जाएगी। अब इसे आप प्लेट में सर्व कर सकते हैं या फिर पेपर कॉर्न बना के सर्व कर सकते हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं। तो दोस्तों, झटपट तैयार होने वाली टेस्टी स्नैक्स आपके सामने रेडी है। ये कभी भी आप अपने घर पे बना सकते हैं और ये टेस्टी मसालेदार पूरी इंजॉय कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह मार्केट स्टाइल में मैंने कॉर्न में कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।